नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3, 4 और 5 फरवरी के आपके राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं यश में ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आखिर आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन 3 दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे उत्पन्न होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि दोस्तों और ऐसी ही अधिक जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं, पहले जान लेते हैं इन 3 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की तिथि और योगों के बारे में। दोस्तों, 3 फरवरी की बात करें तो ये दिन बुधवार का दिन रहेगा और कृष्ण पद की षष्ठी तिथि रहेगी, चित्रा नाम का ये दिन नक्षत्र रहेगा। और दोस्तों, ये दिन शूल नाम के योग के बाद गंड नाम का योग रहेगा। राहु काल का दिन समय रहेगा दोपहर के 12:40 से लेकर दोपहर के 2:03 तक। दोस्तों, ये राहु काल के समय में आपको भी महत्वपूर्ण कार्यों को ना करें। और चंद्रमा ये दिन कन्या राशि के उपरांत तुला राशि में संचार करेंगे। वही दोस्तों, 4 फरवरी की बात करें तो इस दिन गुरुवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी और स्वाति नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस दिन गंड नाम के योग के बाद वृद्धि नामक योग प्रारंभ हो रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होंगे। आपके घर के माहौल में और आपके कार्यस्थल पर यश में वृद्धि होने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में राहु काल का समय रहेगा दोपहर के 2:03 से लेकर शाम के 3:26 तक और चंद्रमा दिन तुला राशि पर ही संचार करेंगे। वही दोस्तों, आखिरी दिन 5 फरवरी की बात करें तो शुक्रवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी और विशाखा नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, वृद्धि नामक योग के बाद ध्रुव नाम का योग प्रारंभ होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह ध्रुव नाम का योग आपके पारिवारिक जीवन के लिए और घर के माहौल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होंगे। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह के 11:17 से लेकर दोपहर के 12:41 तक और चंद्रमा इस दिन तुला राशि के उपरांत वृश्चिक राशि में संचार कर जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इन 3 दिनों की जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति है, तिथि और योग को मिलाकर आपकी राशि पर इनका क्या प्रभाव होता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यह समय अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, जिससे आप अपनी सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर दिल खोल कर यश में खर्च करते हुए नजर आएंगे। माता पिता से संबंध यश में अच्छे हो सकते हैं तथा माता पिता से सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। परिवार में आपसी सामंजस्य बेहतर होने की संभावना बन रही है। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिविटी की बात करें तो दोस्तों, ये जो समय है आपके लिए किसी मित्र या फिर साथी के साथ आप जो है झगड़ने से बचें, इससे आपको तनाव हो सकता है। इस तरह की जो जब भी परिस्थिति आए तो आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण करना सीखना होगा। दोस्तों, यश में इस तनाव से बचने के लिए एकमात्र रास्ता यही है कि यश में जो है बातचीत की दिशा में पहला कदम आप बढ़ाएं और यदि शीत युद्ध की संभावना हो तो दोस्तों, उनके साथ नरमी से आप बातचीत करें। इनसे दोस्तों, यश में आपके झगड़े की संभावना बहुत कम होंगी। वह दोस्तों, इन दिनों में आपके लिए जो समय है कुछ परेशानियों भरा भी होगा। किसी बात की चिंता करने के बजाय आप जो है उसका हल खोजने का प्रयास करें तो आप यश में अपने कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। दोस्तों, सब कुछ जानते बूझते हुए भी आप चुप यश में बिल्कुल ना रहें, नहीं तो दोस्तों, इससे आपके और आपके परिजनों को नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इन दिनों में निजी जीवन से संबंधित कोई जो है महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले किसी से आप सलाह अवश्य करें। दोस्तों, ये जो दिन है अपने मूड स्विंग करने में आप नियंत्रण रखें, अपने मूड को बदलने में यश में आप रोक लगाएं। दोस्तों, यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों, ये जो दिन है आपके लिए जॉब की तलाश पूरी हो सकती है। अगर आप कुछ दिनों पहले जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे तो दोस्तों, यश में आपकी उनका जो है रिपोर्ट आ सकता है और आपको सफलता मिल सकती है। वह दोस्तों, ये जो समय है आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। यदि आप व्यवसाय करते हैं या फिर यदि आप नौकरी करते हैं तो इसी तरह के निवेश का नजरिया आप अपना सकते हैं। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों, ये जो समय है आपके लिए एकल लोगों को अपनी पसंद का साथी खोजने के कई अवसर या जो समय मिल सकता है। सामाजिक समारोहों में इस तरह के लोगों से जो है मिलना जुलना एक कुंजी होंगी। दोस्तों, ये जो समय है इन दिनों में परिजनों से अपनी बात व्यक्त करने में आप न कतराएं,
यदि परिवार में किसी बात से आप खुश नहीं हैं तो दोस्तों ये जो समय है आप उनसे बात अवश्य करें, नहीं तो ये जो रिश्ता है इसमें कड़वाहट बढ़ सकती है। दोस्तों यह समय अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप जो है अपने भावों को और अपने विचारों को किसी के भी सामने खुलकर व्यक्त करें। उन्हें जो है जितना दबाएंगे उतना ही आपका जो है रोग बनेगा और ये रोग का कारण बनेगा। दोस्तों इन दिनों में आप अपने स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के निदान अथवा उनकी जांच कराने के लिए खर्चे भी कर सकते हैं। दोस्तों यह समय आपका भाग्यशाली रंग रहेगा गेरुआ और भाग्यशाली अंक रहेगा यह समय 4। वही दोस्तों यह समय गणेश जी कहते हैं कि ये जो आपके लिए समय है प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में आप सक्षम नहीं होंगे। दोस्तों इसलिए यह समय कठिन कार्य में जो है आप हाथ न डालें तो आपके लिए ये जो समय है बेहतर होगा। कोई भी कार्य या फिर घटना आपकी जो है धारणा के अनुरूप न होने से आपको पूरे दिन कुछ भी कामकाज किए बिना निष्क्रिय बैठे रहने की इच्छा होगी। हताशा को दूर कर आशावादी बनने की सलाह यह समय गणेश जी देते हैं। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो समय है सभी कम्युनिकेशन में आपकी जो है वाक्य शक्ति उपयोगी सिद्ध होंगी, चाहे वह बैठक हो या फिर कोई औपचारिक चर्चा। आपका व्यवहारिक दृष्टिकोण जटिल समस्याओं को सुलझाने में मददगार साबित होगा। नए अवसरों को पता लगाने में आपके विचार आपके वरिष्ठ लोगों को पसंद आएंगे। वही दोस्तों ये समय आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो दोस्तों ये जो समय है आपके लिए इन दिनों में आप प्रेमी के साथ एक रोमांटिक शाम का इंतजार कर रहे हैं, गणेश जी ऐसा कहते हैं। दोस्तों यह समय पीर के साथ किसी जो महंगे रेस्टोरेंट में भोजन करने के लिए आप जा सकते हैं, उसका आनंद जो है उठा सकते हैं। वही दोस्तों यह समय आप अपने जो जीवन साथी को या फिर साथी को एक रोमांटिक उपन्यास देना पसंद करेंगे या आपके जो दिमाग में यह समय विचार आएगा। वही दोस्तों ये जो दिन है आपके लिए अगर आपकी अर्थव्यवस्था की बात करें तो यह समय अपने वित्तीय भविष्य को लेकर दुविधा महसूस करेंगे। वही दोस्तों इन दिनों में आय से संबंधित सभी पहलुओं पर अटकलें लगाते मिलेंगे। हालांकि आपको यह समय है अपनी ओर से कुछ भी धन कमाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों इन दिनों में आप बहुत ही दिल से अच्छे रहेंगे। दोस्तों ये जो दिन है आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप अपनी क्षमता बढ़ाने की यह समय कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य के अनुसार ये जो आपके लिए समय होंगे समस्या से बिल्कुल भरा नहीं होगा। आपको दूसरों के साथ बहुत अधिक बहस करने से यह समय बचना होगा। दोस्तों इससे आप जल्दी ही थका हुआ अनुभव करेंगे। वहीं दोस्तों यह समय धार्मिक भावनाओं के चलते आप किसी जो है तीर्थस्थल की यात्रा करेंगे और किसी संत से कुछ जो है दैवीय ज्ञान प्राप्त करेंगे। दोस्तों यह समय मुमकिन है कि आपको धन से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, लेकिन दोस्तों यह समय जो है आप अपनी सूझबूझ से आप हानि से बच सकते हैं और उन हानि को आप यह समय मुनाफे में भी बदल सकते हैं। अगर बातचीत और चर्चा आपके मुताबिक न हो तो दोस्तों यह समय आप नाराजगी में कड़वी बातें कह भी सकते हैं जिन्हें लेकर बाद में आपको पछताना भी पड़ेगा, इसलिए दोस्तों भली भांति सोच समझ कर ही बोलें। दोस्तों यह समय आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें, अगर आप नौकरी नहीं मिलने से परेशान हैं या फिर आपके पास नौकरी है और आपके ऑफिस में कुछ परेशानियां चल रही है तो दोस्तों यह समय आपको कौन से उपायों को करना चाहिए? दोस्तों इसके लिए एक बहुत ही आसान उपाय है कि आप कुछ दिनों तक मीठे चावल कौओं को खिलाएं। दोस्तों जल्दी आपकी समस्या का समाधान होगा और आपकी नौकरी में आपके व्यापार में जो भी उलझने चल रही है दोस्तों वो समाप्त होंगी और आपके कार्य जो है गति में आएंगे। तो दोस्तों इन दिनों में इन समयों में आप इन उपायों को कर सकते हैं। यश में बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा और इन उपायों को करने से आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं खत्म होंगी और आपको नौकरी भी प्राप्त होगी। तो दोस्तों यश में इन उपायों को कर सकते हैं और साथ ही अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।